हेलो गाइस, मैं हूं तस्खीर। आप देख रहे हैं टीएच के रिएक्शंस। मैं रिएक्शन दे रहा हूं इस वीडियो में। डकी भाई की वीडियो है फनीएस्ट इंडियन एड्स दैट आर सेंसलेस एंड स्टूपिड। तो मज़ा तो आएगा क्योंकि डकी भाई की वीडियो है भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, बाकी बात हम करेंगे बाद में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। तो क्या चल रहा है आजकल? मैं हूँ आपका फेवरेट यूट्यूबर यार। तो यार इधर पाकिस्तान में रह रहा है कि ना, मैं थोड़ा बोर हो गया था। हर बंदा तो हमने कवर कर ही लिया, तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग पैन यकिया ढूंढने के लिए बॉर्डर पार जाएं। हम बात करने वाले हैं इंडियन एड्स की, क्योंकि इधर के एड्स पे मैं पहले ही कई वीडियोस बना चुका हूं। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा बॉलीवुड एरिया एक्सप्लोर किया जाए। तो शुरू करते हैं। साउथ इंडियन एड्स हैं क्या? मैं आपको फोन कर रही हूँ, कोई देख रहा है मुझे। तो अभी तक तो सिर्फ इतना ही हुआ कि एक मैडम रोड पे खड़े होकर किसी को कॉल कर रही थी, फिर कुछ मजबूर लोंडो ने उसे देख के पुंडी मारनी शुरू कर दी, जिसको देख के लड़की डर जाती है और वहां से भाग पड़ती है। अब आगे देखो क्या होता है। कोई है प्लीज मुझे बचाओ, प्लीज मुझे कुछ भी मत करो। अब कितना भगाएगी अम्मा। अरे तेरे को कुछ भी करने नहीं आए, वो तेरे हाथ में जो मोबाइल है वो कहां से लाए बोल के पूछने के वास्ते आए। ये फोन तो खुबा मोबाइल से ली। खुबा मोबाइल? खुबा मोबाइल तशरीफ लाइए। खुबा मोबाइल, खुबा मोबाइल, खुबा मोबाइल, खुबा मोबाइल, खुबा मोबाइल, fuck everything, Kuba mobile only, Kuba mobile, Kuba mobile, Kuba mobile, Kuba mobile, Kuba mobile। इस एड को देखने के बाद तुम लोगों के जेन में जितनी गंदी गालियां आ रही है वो मैं समझ सकता हूँ। इससे बेहतर तो हमारा वसीम हसन शेख था। Excuse me, आप भी? कहकर कम से कम एड तो बना लेता था। माना कि एक्टर तुम लोगों के पास कुछ चुतियापे के हैं, लेकिन पैंच जो एड की कोई लॉजिक तो बनाओ। लड़की से फोन का नाम पूछने के लिए सारों ने उसके पीछे भागना शुरू कर दिया। भाई ऐसे लोग होते हैं, दुकान पे 5 रुपए की चीज लेने जाएं तो 10 रुपए की चोरी करके आते हैं। ऐसे एड्स के जो एक्टर होते हैं ना, वो अपने इंस्टाग्राम की बायो पे किंग ऑफ बॉलीवुड लिख के ब्लू टिक के लिए अप्लाई करते हैं पैंच। ये एड बनाने से बेहतर है पैंच चोरी डाका मार लेते कहीं पे। पराठा आचार खत्म, आचार खत्म, आचार खत्म, आचार खत्म। ओह नीचे तक आ गई आवाज। ओ माय गॉड। स्पेस में अचार खत्म हो गया और खबर ऐसे फैल रही है जैसे किसी टॉप यूट्यूबर प्रैंकस्टर के टोटे लीक हो गए हैं। अब जितना तुम लोगों ने ये एड देख लिया, तुम लोगों को क्या लग रहा है कि ये एड किस बारे में? यही लग रहा है ना कि अचार का एड है। नहीं तो तैयार हो? तैयार हो, तैयार हो देखने के लिए कि इस दुनिया में डायनासोर एक्सटिंक्ट हो सकते हैं लेकिन चूती एक्सटिंक्ट नहीं हो सकते। मेरा बबलू, थैंक यू। ये पंखे का ऐड था। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ये ऐड देखने से पहले मुझे लगा पैच एवेंजर्स की कोई नई मूवी का ट्रेलर आया है। मुझे लगता था कि इस दुनिया में सबसे वेला मैं ही हूँ जो पूरा दिन घर में बैठा रहता हूँ, लेकिन ये ऐड देखने के बाद मुझे तसल्ली हुई है कि मुझसे ज्यादा वेले लोग हैं जो ये एड्स बनाते हैं। ऐसे एड्स देख के ना मुझे हौसला भी मिला है कि मैं सिर्फ वेला हूँ, चूतिया किस्म का काम नहीं कर रहा। ऐसे एड्स में काम करने से बेहतर है तुम किसी गली नुक्कड़ में जाके चरस फूंक के जहाज बन जाओ। भाई पंखे का ऐड था और बंदा स्पेस में चला गया। सोचो अगर एसी का ऐड होता तो बंदा कहां से कहां पहुंच जाता। पैंक खैर मेरी इंडियन स्पेस एस्ट्रोनॉट कम्युनिटी से गुजारिश है कि खाम खा तुम लोगों ने अपने पैसे रॉकेट पे जाया कर दिए जो कि चांद तक पहुंच भी नहीं पाया, इससे बेहतर पंखे ही ले लो। यार इंडिया वालों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि सेंसर बोर्ड के साथ साथ फिजिक्स बोर्ड भी रखा जाए। कल को तुम लोगों के पास प्याज खत्म हो जाएगा तो क्या चांद से इम्पोर्ट कराना है? मतलब कोई सेंस ही नहीं, कोई लॉजिक ही नहीं, कोई फिजिक्स ही नहीं। फिजिक्स की तो बहू। हाँ जी मम्मी। तुम लोग रोज रात को करते हो ना? रोज करते हैं पर उनको काफी दर्द होता है ना। तुम लोगों को ब्रांड बदलने की जरूरत है। पर सब तो बोलते हैं ये डॉक्टर्स का सुझाव नंबर 1 ब्रांड है। तुम्हारे पापा और मैं रोज रात को यही ब्रांड इस्तेमाल करते हैं। पूरी रात प्रोटेक्शन, रिफ्रेशिंग और रिलैक्स्ड भी लगता है। तुम दोनों को भी रोज रात को करना चाहिए। ये वीडियो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है भाई? रोज रात को किया करो, ऐसे किया करो, वैसे किया करो, ब्रांड बदल लो ऊपर नीचे। ओ भाई क्या चल रहा है भाई? ऊपर से ये बुड्ढी कहती है तुम्हारे पापा और मैं
रोज रात को यही ब्रांड इस्तेमाल करते। ओ भाई मारो मुझे मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है। चलो ये दोनों तो फिर अभी जवान हैं, लेकिन बुढ़िए तू तो लिहाज कर ले अपना। जैसे ये बातें चुप है ना, ऐसा लग रहा है जैसे जॉनी सिंस है इसका शोहर। ओरल का भी रखो। ओरल भी अब से सिर्फ एक्वाबाय। ये ब्रांड आया रे हीरो आया रे। मसूड़ों में तकलीफ? कीटाणु? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? टूथपेस्ट में नमक? हाँ, कोलगेट एक्टिव सॉल्ट में नमक है। मतलब यार एड्स में मेरे ख्याल से ये लोग रीटेक्स तक नहीं लेते, देखते ही नहीं है कि हो क्या रहे। मतलब इस बंदे ने सेब सामने से चुबाया और अपने जबड़े लेके बैठ गए। अभी अगर सेब सामने से चुबा रहे तो तेरे साइड में पेंट कैसे पहुंच गई भाई? वो थे ना स्कूल में बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो बॉल बैट्समैन के टांगों पे लगती है और वो अपने टट्टे लेके बैठ जाते हैं। आज सत्संग वाणी पर। वाणी बाबा बच्चे का नाम? बाबा बच्चे का नाम खांसी। वाह क्या नाम है बाबा। हो गया जाओ। रस्तोगी पहली बार तो मुझे ये समझ नहीं आती कि बच्चा खुद पैदा किया तो नाम बाबा क्यों रखेगा। और शुक्र है बाबा का गला खराब था, पेट नहीं, वरना बाबा कहीं पा देता तो पता नहीं बच्चे का नाम लोग कहां से और कैसे पुकार रहे होते। यस मिस। आज मेरे बुबू की शादी है, आज बुबू की शादी है। बाय होता है। ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बच्चा बड़े होकर बाप बन गया और ये बाबा पैन जो वहीं का वहीं है, ना खुद मर रहा है और ना ही इसकी खांसी मर रही है। इसका नाम होगा अब सही होगा नाम ग्लाइकोडिन। अब जिसने भी इस एड की स्टोरी बनाई है वो अपने आप में खुश फहमी करके बैठा होगा कि भाई मुझे तो इस एड के बाद 2 ऑस्कर मिलने ही मिलने हैं। तो पुत्र मैं तुझे बता दूं कि तेरे जैसे लोग होते हैं जो अपनी गांड एक ही पत्थर से 3-4 बार साफ करने के बाद उसे टैलेंट का नाम देते हैं। अब एक ऐप की एड देख लेते हैं जिसका नाम है हगो। हगो यानी कि टट्टी, टेक अ शिट। और जैसा इसका नाम है इसका एड भी वैसा ही है। मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए, मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए। ऐसे गर्लफ्रेंड कौन मांगता है? नहीं इतना चीखने की क्या जरूरत है बे? गर्लफ्रेंड मांग रहा है उसे बगा रहा है। मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए। चीख तो ऐसे रहा है जैसे शादी में बोतलें खत्म हो गई हूँ। मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए, मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए, मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए भाई। मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए, मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए, गर्लफ्रेंड पैंट जो गर्लफ्रेंड। मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए, मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए पैंट, मुझे गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड चाहिए, मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए, मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए। यार मतलब ये क्या तरीका है गर्लफ्रेंड मांगने का? खोती ना सही है भाई तेरी। हाँ, मिल गए। अबे इतनी जल्दी तो बंदा पॉटी करके गांड धो के बाथरूम से बाहर नहीं निकलता जितनी जल्दी इसे बंदी मिल गई है। ये मेरा फ्रेंड यशराज और ये है उसकी गर्लफ्रेंड। ये लोग पिछले 4 महीने से साथ में है। ये है मेरा फ्रेंड स्वप्निल, ये है उसकी गर्लफ्रेंड और ये लोग साथ में है पिछले 2 महीने से। और ये मेरा दोस्त तौसिफ, वो पिछले साल से सिंगल था क्योंकि इसने तब हागो ऐप यूज नहीं की थी। अरे 22 साल पहले तुम्हारी किस बेबे ने ऐप बनाई थी भाई? ऐप छोड़ो मोबाइल भी नहीं होते थे तब तो। अबे साले मैट्रिक पास छोड़ो, स्कूल की 5 जमातें भी पढ़ लेते ना पूरी तो आज ऐसे चुतियापे के एड्स ना बनते। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। क्या कहा आपने? जरा फिर से कहोगे? हाँ मैं फिर से कहूंगी अगर तुम मेरे साथ ट्रेजर हंट ज्वाइन करके हागो पे गिफ्ट जीतोगे। जिन लोगों ने नोटिस नहीं ना किया ये वही लड़की है जो पिछले एड में इस लड़के के साथ उसकी गर्लफ्रेंड बनी हुई थी और अब इसे कह रही है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ऐसी लड़कियां होती हैं जिन्होंने खाने के लिए उस्मान रखा होता है, ड्राइवर के लिए अली रखा होता है, कॉलेज में बैग उठाने के लिए इफ्तिखार, टाइम पास करने के लिए अबरार, पैसे लेने के लिए रियाज, देने के लिए बिलावल और फिर इन आप बोल दो तो ट्विटर पे मर्दों की बुराइयां करने की कैंपेन शुरू कर देती हैं। इन जैसी लड़कियां होती हैं जो मेडिकल में 4 सप्लियां लेके अपनी इंस्टाग्राम की बायो पे लिख
लगती है डॉक्टर टू बी, एक होती है पैन यकी, फिर आती है महा पैन यकी, और फिर आते हैं ऐसे एड्स। ऐसे एड्स में काम करने वाले अगर एक्टर है ना तो टिकटॉक बनाने वाले वाकई सेलिब्रिटी है, और पबजी खेलने वाला तो पैचो फौजी है भाई। तो यार बस आज के लिए इतना ही, और मैं तुम लोग को बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो बनाने में मेरी राजा जी ने बहुत हेल्प की है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस वीडियो के बाद इसका चैनल पे जाओ और इसकी वीडियोस देखो। यार क्या वीडियोस बनाते हैं भाई साहब, नीचे लिंक दी होगी मैंने डिस्क्रिप्शन में, लाजमी चेक करना। अब अगर वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो, और अगर पहले से नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करो, और साथ में बेल आइकन भी दबाओ, वो बहुत जरूरी है भाई, बेल आइकन बहुत जरूरी है। और वैसे भी अपनी टीम ने डिसाइड किया कि आज की वीडियो पर हर लाइक मारने वाला तुसी ग्रेट हो, तोफू कबूल करो। ये भी देना था, तेरी बेबी ने मुझसे करवाना था, वो यूनि में नहीं सदर में बैठी कर रही रिस्पेक्ट मेरे बनाना का। हमजी ने दिया था मौका, फादी ने दिया ये तोहफा, जीरो और शुजा तो हीरो है, फ्यूचर के समझ ले सारा जमाना। कर सेवा वरना बनांदा तेरी वोटी नू मैं विवाह, रंदा में चिल्ली किंग करंगा मैं टेढ़ा, उन्हें जो विखाई मेरा आगे तो किसान का चेहरा समझा, ये पिंडी है we cruise late night। तो ये था भैया डकी भाई का वीडियो, बहुत ही फनी था, बहुत मजेदार वीडियो था। और ऐसा है एड्स जो है सेंसलेस एड्स होते ही हैं, और ऐसे एड्स को देखकर बहुत ज़्यादा हंसी भी आती है। और इन्होंने जो रोस्ट किया है बहुत ज़बरदस्त वाला रोस्ट किया है डकी भाई ने, और सबसे बेस्ट और बढ़िया पार्ट उसमें लगा जो शामीर अब्बास हैं उनका जो क्लिप डाला है। वो पता नहीं क्या कुछ कर रहे थे, वो बोल रहे थे, जो भी बोल रहे थे उसका जो पार्ट डाला है ना वो बीच बीच में, वो भी अच्छा लगा मुझे। वेरी फनी, बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनाते हैं। पहला वाला एड्स था शायद वो वाला हैदराबादी एड्स था, इंडियन हैदराबादी एड, क्योंकि उसमें वो बोली उस टाइप की दिखा रहे हैं, वो कुबा मोबाइल का ऐड जो कर रहे थे। बहुत फनी वीडियो था। एंड हैगो ऐप जो है भैया, उसके बहुत ज़्यादा ऐड आ रहे थे कुछ दिन पहले। मैं जो भी वीडियो खोल रहा था मोनेटाइज्ड चैनल की, तो उनके वीडियोस पर बहुत ज़्यादा ऐड देखा है मैं भी इरीटेट हो गया था इन ऐड्स से। तो बहुत बढ़िया खींचा है इन्होंने एड्स की, तो बहुत बढ़िया वाट लगाई है, मज़ा आ गया भाई इस वीडियो में। तो लाइक करके शेयर कर दो इस वीडियो को, एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लो मेरे साथ और भी वीडियोज़ देखने के लिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।